हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, नरेशन लगभग पूरा हो चुका है, आज लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वाले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होता क्या है। मैंने इस पर भी दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, शायद आपने देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक वाक्य, यानी कि जिसमें विस्मय हो। विस्मय का मतलब होता है जिस सेंटेंस से खुशी, दुख, घृणा, नफरत, आश्चर्य का बोध हो, वैसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अगर हम खुशी के साथ बोल रहे हैं कि वाह, हुर्रा, मतलब वाह, कल छुट्टी है हमारी, ये खुशी की बात है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। जैसे हम बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर लड़की है वो, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट इज या शी इज। ओके फ्रेंड्स, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते वक्त। तो हम एक एक करके सेंटेंसेस द्वारा बनाते हुए सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या आएगा तो कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे अगर खुशी की हम बात कर रहे हैं, खुशी की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ही सेड, दे सेड, यू सेड, आई सेड, ऐसा ना लिखकर ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर खुशी की बात हो रही है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम असर्टिव में बदल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर दुख की बात हो रही है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अगर आश्चर्य की बात हो रही है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर घृणा की बात की जा रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट बोलेंगे। अगर अफसोस की बात हो रही है, पछतावे की बात हो रही है, तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम एक एक करके सेंटेंस बनाते हुए समझते जाते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड अलास माई डॉग हैज डाइड। ये किस भाव के साथ कहा जा रहा है, दुख के साथ। अलास का मतलब हाय होता है, उसने कहा हाय मेरा कुत्ता मर गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। उसके बाद हम दैट लगाएंगे इसमें, दैट माई डॉग हैज डैट, तो यहाँ पर ही बोल रहा है, इसके लिए हीज डॉग यहाँ पे हो जाएगा, हीज डॉग, और हैज का हेड हो जाएगा डैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट हीज डॉग हैड डैट। रमेश सेड व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज, तो यहां पर आश्चर्य के साथ बोल रहा है कि रमेश कह रहा है कि वो कितना मजबूत आदमी है। रमेश एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज। किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम जब असर्टिव में चेंज करते हैं तो व्हाट या हाउ वो हट जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हो जाएगा ही वॉज दैट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ओके फ्रेंड्स, सूरज सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। सूरज ने कहा कि कितना सुंदर दृश्य है यह, या आनंद के साथ कहा जा रहा है, तो सूरज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सूरज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद हम दैट लगाएंगे, दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यहां पर क्या हो जाएगा, इट वॉज, टेंस चेंज हो जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा,
It was very beautiful scene. Okay, friends. Mohit said, "How dirty it is." ये किसके साथ बोला जा रहा है? घृणा के साथ. How dirty it is. तो मोहित exclaimed with contempt. That it is, तो it was हो जाएगा, it was too dirty, मतलब वह बहुत गंदा था. Okay, friends. Okay, friends. तो यह था आज का exclamatory sentences वाले direct speech को indirect speech में कैसे change करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा concept. और इसके अलावा मैं और भी कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के द्वारा आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उसको देखना और अच्छी तरह से समझना. उम्मीद करता हूँ कि एग्जांपल्स के द्वारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने आना चाहिए और कुछ नहीं है. जैसे अगर हम बोलते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये कितना सुंदर फूल है. अगर हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. ओके फ्रेंड्स, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते वक्त उसमें से व्हाट एंड हाउ हट जाता है. तो देखिए स्क्रीन पे हम कुछ और भी सेंटेंसेस के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा क्लियर कर देते हैं. ही सेड अलास आई एम रूइंड, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया. इसमें दुख के साथ बोला जा रहा है, इसलिए होगा he exclaimed with sorrow that he was ruined. He said how beautiful the girl is, उसने कहा कि कितनी सुंदर लड़की है. ये आनंद के साथ कहा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा he exclaimed with joy that the girl was very beautiful. He said how fast my baby runs, उसने कहा कि मेरा बेबी कितना तेज दौड़ता है. ये भी जॉय के साथ बोला जा रहा है, इसलिए हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर बेबी रन वेरी फास्ट. ही सेड व्हाट अ प्लेस, उसने कहा कि कैसी जगह है. ये भी आनंद के साथ कहा जा रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर हम सरप्राइज के साथ कह रहे हैं तो, यानी कि हम आश्चर्य होकर कह रहे हैं तो सरप्राइज लिखेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कि कितना मूर्ख हूं मैं, कैसा मूर्ख हूं मैं. ये किसके साथ कहा जा रहा है? दुख के साथ. तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या रिग्रेट भी हम बोल सकते हैं दैट ही वॉज अ बिग फूल. राम सेड व्हाट एन आइडिया, राम ने कहा कि क्या आइडिया है. राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपका जो भी बचा कुचा कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ छोड़ा कीजिए. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्ले लिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश
प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।